हेलो। शादीशुदा लोगों की जिंदगी से रोमांस गायब होने में कुछ वक्त लगता है, लेकिन तुमने तो साल दो साल में ही मुझे फोन करना छोड़ दिया। आदित्य, आई डोंट थिंक यू लव मी एनीमोर। वेरी फनी। कसम से मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। अच्छा हुआ तुमने कर दिया। यहाँ ऊटी से बड़ी मुश्किल से फोन लाइन मिलती है। हेलो संजना। आदित्य, तुम अकेले हो वहां? क्या मतलब? मतलब कोई और तो नहीं है तुम्हारे साथ? हाँ है। कौन? अजय? मैं और मेरी तन्हाई। वेरी फनी। सुनो, मेरा मोबाइल बज रहा है, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं करूंगा। ओके, जरूर करना। आई लव यू, बाय। शुक्रिया, इस इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कमाल के मर्द हैं, मेरे साथ दिन रात बिस्तर पर सो तो सकते हैं, लेकिन ये सब दुनिया पर जाहिर हुई आपको बिल्कुल गवारा नहीं। और मैं बेवकूफ ये सोचती थी कि आप दुनिया के बाकी मर्दों से अलग हैं। कितनी गलत थी मैं। आदित्य, तुमने अपनी बीवी को मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया इस वक्त तुम मेरे साथ हो? तुम मुझसे डर रहे थे ना? है ना? राइट राइट। बेजुबान जानवर की तरह मत खड़े रहो। मेरे सवाल का जवाब दो आदित्य, जवाब दो। कायर, बुज़दिल, ना मर्द। What the hell are you doing? क्या कर रही हो तुम? हाँ, मैं उस कुत्ते का नाम और निशान मिटा रही हूँ जिसका नाम तुम नींद में भी नहीं भूलते। मालिनी, stop this, stop this, stop this! सारी रात बिस्तर पर से तुम्हारा जिस्म मेरे साथ रहता है और आप उस कुत्ते के साथ। मालिनी, ये नाटक बंद करो। मैं उसको तुम्हारी जिंदगी से निकाल दूंगी, तुम्हारे घर से, तुम्हारे दिल से, तुम्हारे दिमाग से। और अगर नहीं निकाल सकी तो जिंदा जला दूंगी उस कुत्ते को। I'm sorry. मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मुझे ये सब करने पे मजबूर मत करो प्लीज। जिस शराफत से मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया था, उसी शराफत से बाहर चली जाओ। जाने अनजाने जो कुछ हमारे बीच हुआ, मैं उसे भूलना चाहता हूं प्लीज। डू यू थिंक आई एम द काइंड ऑफ गर्ल यू कैन बेंड एंड फॉरगेट? मैं पेंसिल से लिखी हुई इबारत नहीं हूं जिसे जब चाहा लिखा और मिटा दिया। एक बात कान खोल कर सुन लो आदित्य धनराज, मैं उस कुतिया से तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छीन के रहूंगी। I'll get that bitch out of your life. बहुत हो गया। छोड़ दो मुझे आदित्य, छोड़ दो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आदित्य, छोड़ दो। Leave me. Get out. आदित्य, दरवाजा खोलो आदित्य, open the damn door. उस कुत्ते की वजह से तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया।
हेलो हेलो मालिनी, प्लीज रास्ता छोड़ो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे मारो, 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 पर प्लीज, प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुमने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? शर्म आती है मुझे, पर मैं क्या करूं आदित्य? जब भी मैं तुम्हें उस औरत के साथ सोचती हूँ तो मेरा खून खौलता है। काश कि तुमने उससे शादी नहीं की होती, काश कि तुम्हारी जिंदगी से मैं वो सारे पल उखाड़ सकती जो तुमने उसके साथ बिताए। काश कि उसने तुम्हें छुआ नहीं होता, काश कि तुम सिर्फ और सिर्फ आदित्य। संजना मेरी बीवी है, उसका हक मेरे जिस्म और मेरी रूह पे इस जन्म में ही नहीं बल्कि हर जन्म में रहेगा। आदित्य प्लीज मेरी बात सुनो, आदित्य, आदित्य, आदित्य प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरी बात सुनो आदित्य, आदित्य प्लीज, आदित्य मत जाओ, आदित्य, 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 I'm sorry आदित्य, मुझे छोड़ के मत जाओ आदित्य, प्लीज आदित्य, मत जाओ। मालिनी, मालिनी, आदित्य, you coward, मालिनी, you bastard, मालिनी क्या कर रही हो तुम? मालिनी stop it, तुम मुझे समझते क्या हो? उस औरत की एक एक याद मैं तुम्हारे दिल से खरोंच के निकाल दूँगी। मालिनी ये ना, मैं तुम्हें अपने प्यार को पीठ दिखा के नहीं भागने दूंगी, मैं किसी को भी तुम्हें अपने हाथ से छीनने नहीं दूंगी। सुन ले आदित्य, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। This means कि हमें कस्टमर को पहले से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, हमें पूरा होटल दोबारा रेनोवेट करना पड़ेगा, लैंडस्केपिंग दोबारा करनी पड़ेगी और सारे होटल्स के इंटीरियर्स दोबारा करने पड़ेंगे। इस सब में करीब 2 करोड़ का खर्चा आएगा, तुम्हारा क्या ख्याल है आदित्य? आदित्य, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? क्या हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए? आई डोंट नो, जो तुम ठीक समझो, यू आर द बेस्ट। हिम्मत कैसे हुई यहां फिर से आने की? आउट। उस कुत्ती और मेरे में सिर्फ एक ही फर्क है ना आदित्य, उसके गले में ये पट्टा बंधा हुआ है। हा? लो ये पट्टा मेरे गले में बांध दो, उसे हमारे बारे में सब कुछ बता दो, बता दो उसे कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, चली जाओ यहां से वरना मैं, मेरे पास टाइम बहुत कम है आदित्य, पुलिस को मेरी गाड़ी मिल चुकी है। मालिनी, मेरे पापा को पता चल गया तो वो यहां आ जाएंगे, मैं फिर से पागलखाने नहीं जाना चाहती। बंदूक नीचे रखो मालिनी। देखो जल्दी से उसे फोन करो, बता दो उसे कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चलो जल्दी से उसे फोन करो। मालिनी ये पागलपन बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अब बंदूक नीचे रखो। पागलपन मैं नहीं तुम कर रहे हो आदित्य, तुम तो जानते हो ना
कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इस जन्म में, अगले जन्म में, हर जन्म में तुम सिर्फ मेरे रहोगे। कह दो उसे, तुमने अपनी मर्जी से मुझे अपनाया है, क्योंकि जब तक उसे यकीन नहीं होगा कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तब तक वो हमारी जिंदगी से दूर नहीं जाएगी। चलो कह दो उसे, चलो फोन करो, कम ऑन, फोन करो उसे। मालिनी, मैं अपनी बीवी को बहुत चाहता हूं और मैं उसे अपने और तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताऊंगा, और ये गलती तुम भी मत करना, क्योंकि वो मुझे इतना चाहती है कि तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगी। इस घर में मेरी लाश मिली तब भी नहीं? बंदूक नीचे रखो राइट नाउ। पता तो उसे चलेगा आदित्य, मेरे जीते जी या मरने के बाद। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका पागलपन, उसका जुनून इस हद तक बढ़ जाएगा। उसे एक धमाके ने मेरी सारी सोच, सारी समझ के चिथड़े उड़ा दिए। ऐसे में रॉबर्ट ही था जिसकी वफादारी का मैं सहारा ले सकता था। उसके साथ मिलकर मैंने वही किया जो उस वक्त मुझे ठीक लगा। हम दोनों ने मिलकर मालिनी की लाश को वहां उस जंगल में दफना दिया। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। किस किस को समझाता कि सच क्या है? एक अकेली लड़की एक शादीशुदा आदमी के साथ जिन हालात में रह रही थी, उसे तो सबको ये लगता ना कि उसने आत्महत्या नहीं बल्कि मैंने उसका खून किया है। पुलिस को क्या बताता, पापा से क्या कहता? और तुम, और तुम्हें मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। यूं समझ लो मैं मारने की लाश को नहीं बल्कि उस डर को दफना रहा था जो मुझे तुमसे अलग कर सकता था। संजना, मैं अपने आप को तुम्हारे बिना कभी सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। संजना, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए आदित्य धनराज। मेरे पीठ पीछे, मेरे ही बिस्तर पे एक रंडी के साथ रंगरलियां मनाने के बाद भी तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो? मेरे प्यार को मेरे ही बिस्तर पे इतनी बेदर्दी से रौंदने के बाद भी अगर तुम ये चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हें अपना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तो ये नाटक मुझसे नहीं होगा आदित्य। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं संजना, प्लीज मुझे माफ कर दो, अपने पति को माफ कर दो संजना। घिनाती है मुझे तुम पे। इतने दिनों तक मैं तुम्हारे आगे रोती रही, बिलखती रही, और तुम मुझे सच बताने के बजाय मुझे ठुकराते रहे। अपनी शादी को जिंदा रखने के लिए मैं अपने प्यार की भीख मांगती रही और तुम मुझे धुतकारते रहे। और आज जब तुम्हारे अतीत के साए मुझे घेरने लगे, वो चीखें मुझे सुनाई देने लगी, तो तुमने मुझे झूठा बना दिया। झूठे तो तुम हो आदित्य, और एक झूठे आदमी को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, कभी माफ नहीं कर सकती। Thank you.